जब बहुत से लोगों ने बात की कि किस तरह एक शरीर का अंग लोगों पर चला जाता है, सुनाई नहीं देता उन, तो इसके बाद भी मुझे याद आया कि एक दिवाली के दिन त्योहार पर एक अनार जो था वो मेरे हाथ में फट गया और मेरा बाएं हाथ जो था वो पूरा एक मांस का एक रूप बन गया। ना उंगली थी, ना खून थे, ना कुछ था। धीरे धीरे उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो सब वापस आ गया। कहने का तात्पर्य यह है, मेरा हाथ चला गया, वापस आ गया, लेकिन जितने महीने ये मेरा बाया हाथ नहीं था मेरे पास, कितना कष्ट होता है जब शरीर का एक अंग उसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसका आपको कोई अनुमान नहीं। आप कपड़े नहीं पहन सकते, मैं अपनी कमीज का बटन नहीं बंद कर सकता, पतलून नहीं पहन सकता, मैं बाएहत्ता हूं तो मैं बाएं हाथ से कुछ कर नहीं सकता, सारा कुछ बदलना पड़ता है और सहयोग लेना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो तकलीफें इन लोगों को उठानी पड़ती हैं जब इनका एक शरीर का अंग चला जाता है, उनको पता है कि इन्हें वापस नहीं मिलेगा। ईश्वर की कृपा थी कि मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया, इन्हें नहीं मिला। इसलिए जो योगदान आप कर रहे हैं किरण जी और अनंत भाई, इनको किसी तरह से सहायता देने की, ताकि उनका शरीर दोबारा काम करने लग जाए। और जैसे आपने अभी उदाहरण देखा किस तरह से उन्होंने पेंटिंग बनाई, और वो जो सज्जन पुरुष थे वो अपना, उनकी टांग नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता जिस तरह से वो काम करते हैं कि उनका शरीर नहीं है। उनको मैं बधाई देता हूँ, और आप दोनों सज्जन पुरुष को और इस संस्था को बधाई देता हूँ। इसी ओर मैं आनंद पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिवस के दिन 1000 लोगों की मदद की। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा करने वाले हैं, लेकिन मैं अनेक धन्यवाद देता हूँ आपको आनंद जी, और आशा करता हूँ किरीट जी की आपकी इस संस्था की ओर से आगे भी यदि कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें हमारी उपस्थिति, हमारे चेहरे, हमारे आवाज़, हमारे शरीर से कोई मदद मिल सके तो उसका उपयोग कीजिएगा।